तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल, ये है मेरी वाइफ शिवानी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे। दोस्तों आपने सुना ही होगा कुल्हड़ पिज्जा वालों के बारे में, और इसका वीडियो, इन दोनों जो कपल्स का वीडियो है, इस समय ज़्यादा सुर्खियों में है। और क्यों सुर्खियों में, उसका एक जो बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। दोस्तों पिछले दिनों इनका एक वीडियो वायरल हुआ है, और दोस्तों मतलब कि वीडियो कुछ ऐसा है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और दोस्तों ये वीडियो आदमी कहेगा किसी और ने बनाया, इसने बनाया, उसने बनाया, ये वीडियो उसी पति पत्नी ने मिलके बनाया है अपना, ये जो प्राइवेट वीडियो है। और ये वीडियो बनाने वाला और कोई नहीं, वही पति पत्नी है। और दोस्तों अगर ऐसे लोग किसी और पे इल्ज़ाम लगाएं, अब आप एक ही, अब इस बात का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि आपने जो है बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया, तो या उसको वो तोड़ेगा, या वो खेलेगा, या उसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, फेंकेगा। अब आपने वीडियो बना के उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो पब्लिक आपके संग क्या करेगी, उसको तोड़ेगी, फोड़ेगी, फेंकेगी, भेजेगी एक दूसरे को। सबसे पहली गलती आपने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की और उसका वीडियो बनाया, और वीडियो बना के आपने जो है उसको जगह जगह जो है अपने मोबाइल को दे। अब ये आप जो इस चीज़ की सफाई नहीं दे सकते कि आपने किसको मोबाइल दिया, कैसे वो वीडियो लीक हुआ, कैसे। एक बात बताइए, जब तक मैं नहीं चाहूँगा मेरा मोबाइल फोन कौन ले सकता है, कोई नहीं। लेकिन अगर वो वीडियो लीक हुआ है तो उसमें 99% आपकी गलती है। चलिए मान लीजिए कोई पति पत्नी है, अपना निजी वीडियो कोई चीज़ का बना रहे हैं, ये भी बात मानते हैं, तो उस चीज़ को आपने यार कैसे किसी को अपना मोबाइल दे दिया, कैसे क्या हो गया। और मैं अभी इन्हीं की बात करूँगा, पहले आप ये बात इतना समझिए कि इतने कोई पति पत्नी कैसे इंसेंसिटिव हो सकते हैं, जो सोशल मीडिया पर इतने वायरल हैं, इतने इनके फॉलोअर्स हैं करोड़ों में, और ये लोग कैसे ऐसे हो सकते हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको मतलब ज़रा सा भी जो है खौफ नहीं है, और ये लोग जो बेधड़क ये सब काम ऐसे कर दिए कि ये समाज के मुंह पे तमाचा मारा इन लोगों ने। इनकी इन लोगों ने एक एक पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया है, मैं तो ये कहूँगा। पति पत्नी के रिश्ते को इन लोगों ने इतना ज़्यादा गिरा दिया है, पति पत्नी का जो प्राइवेट मोमेंट होता है, एक हस्बैंड वाइफ का प्यार होता है, उसको ऐसे सोशली जाहिर करना। मैं इसमें 99% जो है हस्बैंड वाइफ की गलती मानते हैं। अगर मान लीजिए, चलिए मान भी लिया कि गलती होगी, वीडियो बनाया, ठीक है, कहीं किसी और ने ले लिया वो भी तक ठीक है। फिर आप एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आजकल, फिर मैं अब इन लोगों से हटके, ये जो कपल से हटके मैं आम लोगों की बात करूँ, तो दोस्तों उस पर रिएक्शन जो लोगों का है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। ये लोग जो है दोस्तों कुल्हड़ पिज्जा वाले जो हैं, ये मुख्य रूप से जालंधर के रहने वाले हैं, और इन लोग की लव मैरिज हुई थी, इंस्टाग्राम से प्यार हुआ था। ये जो थे, ये जो पंजाब के थे, लड़की जो है वहाँ की जयपुर की थी, इन लोग का प्यार हुआ, धीरे धीरे इन्होंने जो कुल्हड़ का पिज्ज़ा बेचना शुरू किया, दिल्ली में दुकान खोली, फिर अपने पंजाब में भी कई शहरों में दुकान खोली, धीरे धीरे ऐसी तरक्की करते गए, बढ़ते गए, सोशल मीडिया पर आ गए, वायरल हो गए। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं कि वायरल होना अच्छी बात है, आपको लोग जो देख रहे हैं इज्जत कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं, तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट में उनकी इज्जत करनी चाहिए। और दोस्तों हाँ, अब मैं आता हूँ पब्लिक के ऊपर, इसका रिएक्शन मैं आपसे किया था। दोस्तों लोगों का इतना वाहियात आजकल स्वभाव है, आपको पता है कि एक बार वीडियो जब हो गया ना, चला गया, वो फिर वापस नहीं आना। तो आपने क्या सोच के ऐसा वीडियो बनाया, आपको थोड़ा भी डर नहीं था। और दोस्तों लोगों का इतना घटिया, वो उनके होटल में जाके जो है गंदे गंदे रिएक्शन दे रहे हैं, दुकान के बाहर जो है खड़ी होकर बातें कर रहे हैं, अश्लील बातें, गंदी बातें कर रहे हैं। अच्छा बताइए, यही आपकी बहन, आपके जीजा, आपके भाई, आपके भौजाई, आपके आपके माँ बाप का, आपके घर वालों का किसी का प्राइवेट मोमेंट ऐसे कोई वायरल हो जाता, तो आप क्या यही करते? आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुँह उठा के बाहर जो है चौराहे पर चल नहीं सकते थे। आपके ना जीने मरने की, आपके मतलब कि आपको, मतलब कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, जिए या क्या करें।
और दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मतलब इतनी ज़्यादा वाहियात और गंदी बातें कर रहे हैं, उन लोग को वीडियो देखना है, वीडियो देख के मज़े लेने हैं, मजाक उड़ाना है। मैं एक बात बता दूं, अभी उस कपल का जो है एक लड़की प्यारी सी बच्ची ने जन्म दिया है, उस बच्ची का क्या दोष है बताइए। चलिए माँ बाप की गलती हुई, ठीक है, एक एक तरफ से आदमी की गलती हुई, लेकिन हम लोगों का फर्ज ये बनता है कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ना होने दें, उसको जो जिसके भी फ़ोन में है उसको डिलीट करें, आगे शेयर ना करें, कम से कम उन माँ बाप का नहीं उस बच्ची की इज्जत का तो ध्यान रखिए। और देखिए दोस्तों, मान लीजिए वो लोग एक अपना वीडियो नहीं भी बना रहे थे, मान लीजिए आप किसी होटल में गए पति पत्नी, वहाँ किसी ने चुपके से आपका वीडियो जो कैप्चर कर लिया, वायरल कर दिया, तब आप क्या करते। तो कभी कभी इंसान से भूल हो जाती है, ये कोई जो है ज़रूरी नहीं है कि उनसे ये बात ये चीज़ बाय मिस्टेक ही होगी, और वैसे इतना कोई नहीं गिरा हुआ कि अपनी सोशल मीडिया पे ऐसी इतनी वाहियात चीज़ वायरल करे और उससे पैसे कमाने के लिए हाईलाइट होने के लिए कुछ लोग ऐसा कहें, तो ऐसा नहीं मैं मानता, हमारा सोचना ये नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो हुआ बहुत ही ज़्यादा गंदा, बहुत ही ज़्यादा हाँ, गलत, उसका बहुत पति ही ज़्यादा रो रहा है। वाहियात। अब वो आप क्या जलंधर पाकिस्तान पुलिस लड़की से स्टेशन में करते अभी हैं, जो 2 दिन पहले इसका बाहर का वीडियो कुछ जुगाड़ जो थे जो जो आप उसके दिखा हस्बैंड रहे हैं। कूलर पिज्जा वालों के जो मालिक हैं वो जो है उसका जो है इंस्टाग्राम पे रोते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हाथ जोड़ के कह रहा है कि इस वीडियो को शेयर मत करो, इसको डिलीट कर दो। मतलब उसको पता है कि गलती हो गई है मेरे से, अब आगे गलती को ना हो। तो मैं एक बात बता दूं मिस्टर, ये बहुत बड़ी गलती है, ये गलती आपको सॉरी माफ़ी का टाइम नहीं देती, अब ये गलती हो चुकी है, अब तो कुछ रहा नहीं, अब बस समझदारी इसमें है कि अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, उसका उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए, और भगवान से इस बात का माफ़ी से इस बात की क्षमा मांगिए, क्योंकि आपने गलती तो बहुत बड़ी की है, बस आपको भगवान ही माफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंसानों मतलब इतना गलत, एक तो आप पति पत्नी का यार कोई चुपके से वीडियो बनाए तब समझ में आता है, यार पति पत्नी आपने प्योर खुद मत वीडियो बना चलाना के ये चाहिए, हरकत मैं की, पति बहुत पत्नी गलत बात है। उसका पति बना रहा है वीडियो ना, उसका पति बना रहा है वीडियो, कितनी गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत गलत नहीं बात है, है। कोई और बनाता तो उसमें गलत दोष है, लगाते एब्सोल्युट हैं। और फिर ये जो कूलर पिज्जा वाले कपल हैं, ये इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरे भैया, वायरल तो आप ही लोगों ने होने दिया, वीडियो किसने बनाया, आपने वीडियो बनाया ना, हाँ आपने वीडियो बनाया, आपने सब कुछ किया, आपने दूसरों को मौका दिया कि दूसरा आपका मजाक उड़ाए, आपने तो अपने धर्म अपने अपने समाज अपने सबकी इज्जत पे बट्टा लगा दिया आपने तो अपने। आप एक जो सिख धर्म से जहाँ पे इज्जत मान सम्मान के लिए आदमी अपनी जो है जान कुर्बान कर देता है, वहाँ पे इतनी घटिया हरकत करना, ये बहुत ज़्यादा कलंकित करने वाला, हमारे समाज को जो है नीचा दिखाने का, और ये महिलाओं की इज्जत के संग जो खिलवाड़ जिसने भी किया है, भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। अब मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि जो लोग इस वीडियो से मज़े ले रहे हैं, याद रखिएगा आपके घर में भी माँ बहन है, कल को आज इस पति पत्नी के संग ऐसा गलत हो रहा है, कल किसी और के संग भी हो सकता है। तो एक बार इंसान से गलती कई कई बार हो जाती, गलतियाँ इंसान से होती हैं भाई साहब, हम कोई भगवान नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं। इसके लिए ये नहीं कि कोई आदमी गलत कदम उठा ले या आप उनको इतना मजबूर करें कि वो जो है गलत कदम उठाएं। प्लीज़ 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 आप ऐसा काम मत कीजिए, कि ऐसे कपल को ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए, इन लोग पे वीडियो मत बनाइए, जो गलत कमेंट करके वीडियो मत बनाइए, इनके बारे में उल्टा सीधा मत फैलाइए। आपको नहीं पता उसकी भी एक फैमिली है, उसका एक जो बच्चा हुआ है छोटा सा, वो क्या उस पर बीतेगी वो भगवान ही जानते हैं। अभी उसके परिवार में खुशियाँ आई हैं, आप भी उनका साथ दें, सपोर्ट करें, उनको अच्छी अच्छी विशेष दें। मेरी आशा है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, है कि नहीं। तो छोटी सी बाबू हुई है, लड़की हुई है, तो प्लीज़ 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 हमारे साथ साथ आप लोग भी हाथ जोड़ के, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस कपल का इस जो दुख की घड़ी में उनका साथ दें, उनका सपोर्ट करें, और कोई भी कपल ऐसा नहीं होगा कि ऐसी हरकत करे। ये हरकत इन्हें जानबूझ के नहीं की, इनसे बाय मिस्टेक कहीं ना कहीं से लीक हुआ है, जो भी हुआ है अब जो हो गया सो हो गया, उसको उसको भुलाइए, आप आगे पे फोकस कीजिए। इन लोग का हेल्प आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा वीडियो कोई सर्कुलेट करता है तो आपको तो वहीं के वहीं उसको डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।